There are agents and there are agents. And then there is Swaminathan Jaiswal, a super powerful agent. Jaiswal escorts our reporter to meet Lalu Bhai Babu Bhai Patel, a Lok Sabha member of parliament from BJP, elected from Daman and Diu. Our brief meeting with Jaiswal will establish beyond doubt that he is well and truly a man with enormous power, quite literally. सारे फैमिली के एक लोगों के नाम से करवा रही है 20 को लाइसेंस हाँ मेरा 3 को लाइसेंस है डबल बैरल सोच रहा है डबल बैलर है एकदम आठ सौ तीन पर 250 ग्राम वेट है यह राइफल है 375 हालन हालन में था रात में बैठा हुआ This is quintessential Swaminathan Jaiswal. Backing in the combined might of Gabbar Singh and Mogambo of the celluloid world. Looks dangerous, has an overbearing demeanor, and he really means business. He leads our reporter to the MP's PA, who keeps a letter of recommendation ready. The PA is quite adept at the task, as he even offers to innovate. In his words, "Main alag banaya, matter wahi hai." रखा जाता है उनके हाथ में नहीं देना पैरवी भी कर देंगे वो सब कॉपी आएगा ना तो उसका जवाब भी ले जाना हमारे नहीं अभी भेजे नहीं हो आप तो आप अभी कहाँ इकट्ठा करके भेजा तो वही तो मैं मानता हूँ फोन किया तो गया ही नहीं था नहीं अभी नहीं Proceeding to the office of Lalu Bhai, the reporter barely begins to state the purpose of his visit when Jaiswal interrupts him with his characteristic aggression. In a rather loud monologue that followed, it is clearly established that Lalu Bhai was totally aware of the cash transaction. Bear in mind that this is a conversation inside the MP's office where the MP was fully participating, albeit through monosyllables. ये सर मेडिटेरियन आयल में करके है कंपनी यार हम तो अरे तो आयल मिलवा दो ना जी कंपनी वाले को हाथ मिलवा देता हूँ दीवारों मिलवाओ यही तो पेट्रोलियम मंत्रालय को बुला देता हूँ लालू भाई क्या हो गया बड़ा काम बताओ क्या छोटी मोटी चीज के बात करते हो बताओ बड़ा काम नहीं बताओ मैंने तो छोटा मोटा उसमें बड़ा काम बताओ कब तक अभी काम करेंगे बैठे बैठे क्या करेंगे हम लोग हम क्या बुला दो कौन मिनिस्ट्री को नहीं बुला सकते सरकार अपना है लेकिन एमपी साहब का संबंध सरकार से पूरा है सरकार से कोई मतलब कोई का उल्टा पहले काम होगा कांग्रेस का बाद में काम होगा सर आपको चलना नहीं पड़ेगा कभी तो मतलब कभी वो भी चलेंगे वो चलना हम भी चलेंगे जहाँ भी चलेंगे जहाँ कहो जो वहाँ फॉलो करेंगे पेट्रोलियम मंत्रालय में सब अपने लंबा मोली से बहुत बढ़िया संबंध है मैंने उन्हीं के राकेश सिंह ज्ञान से गट्टू पायलट थे अभी पीएसबी बिहार का रहने वाला मेरा दोस्त है कई मंत्रालय में लड़ो हम जी सुबह में आपको जरूरत होगा तो अभी करने का हमको बताइए हम जी सुबह में आ रही है ठीक है It is impossible to miss the point when the tone, tenor and volume of speech is as impressive as Swaminathan Jaiswal's.
He tells the reporter that the MP will not only give him the recommendation letter for his company, he will also make himself available for lobbying for it. Like Jaiswal says, हम यहाँ बुलाए तो कौन मिनिस्ट्री को नहीं बुला सकते, सरकार अपना है, लेकिन एमपी साहब का संबंध सरकार से पूरा है, उनका पहले काम होगा, जहाँ कहोगे वहाँ फॉलो अप करा देंगे. डिस्पाइट द रीअश्योरेंस फ्रॉम द इम्प्रेसिवली वोकल जायसवाल, कोबरा पोस्ट रिपोर्टर सॉ अनदर अपॉर्चुनिटी टू रिएटरेट हिज रिक्वेस्ट एंड दिस टाइम जायसवाल्स रिस्पॉन्स बॉर्डर्ड ऑन एडमोनिशिंग. ही बर्स्ट्स आउट, वो बात को बोल दिए जब बोले एमपी साहब चल चलेंगे जरूरत पड़ेगा तो. उसको बार बार बोलने से इरिटेट होता है आदमी. तो बस एक ही रिक्वेस्ट सर करनी है कि कभी सिफारिश के लिए चलना पड़ेगा. बात को बोल दिए जब बोले एमपी साहब को चल चलेंगे जरूरत पड़ेगा तो. जी हम बोल रहे अलग ही बात चलेंगे सिफारिश में जरूरत पड़ेगा. उसका उसका तो उसको बार बार बोलने से इरिटेट होता आदमी. आप जान लो हम बोल रहे हमारा नाम बात क्या है that Lalu Bhai will give a letter of recommendation to the offshore company and he will make himself available for follow-up. But when the reporter addresses the MP directly with the subject of money, the air becomes so thick that one could cut it with a knife. है मेरे पास है क्या है तुम एमपी से हर बात मत खाते हो थोड़ा संकोच कर तुमको आएंगे ना यार पर हम है लो आओ मैं राजू हो कोई बात नहीं अच्छा सब हमारा तो हम आपका देते हैं मजबूत कल नहीं जा रहा हूँ हमारे के लिए. अरे तुम अभी नहीं जा रहे यहीं पे है ना. आप दो कदम यहीं पर हमें क्यों ये तो उनको Despite being party to the entire conversation, Lalu Bhai will not commit to anything unparliamentary in his own words. And sure enough, Jaiswal is quick to advise. Tum MP se har baat mat kaha karo. Hum hai na yaar. The reporter hands over 50,000 rupees to Jaiswal, who clearly has his own axe to grind. मैं अपने भाई से फसल में नहीं जाता. मेरा फैक्ट्री शराब का तीन तीन चक्कर हुआ है. पूरे छत्तीसगढ़ का दारू दुकान है इसका लोकसभा लड़ने जा रहा है. तुम अभी हमको जानी हो मैं कौन. अभी काम करवाएंगे ना आधा बनाने में. After a chat with Jaiswal, Cobra Post reporter tries one more time to get an acknowledgement of receipt of cash from the MP. He goes back to the MP to confirm whether he is aware of the money paid for the letter. That throws the MP off the edge, literally. Lalu Bhai's display of fake rage provides a comic relief to an otherwise grim story. Sir, हमें पता है आपका दे दिया. फिर भी मैंने बता दिया. मुझे ना बोला. जी सर, ठीक. मुझे क्यों बोला आपने? सर, ठीक है. मैं बता ना मैंने सर. मुझे क्यों बोला नहीं? ओके सर. Cobra Post reporter refuses to take the hint and tells the MP that he has handed over 50,000 rupees to Jaiswal. Lalu Bhai Patel bursts into fake rage, saying, "Ye baat mujhe nahi bolna. Mujhe kya bola?" Outside the room, Jaiswal educates the reporter. While we are happy that the Cobra Post expose on parliamentarians accepting cash for votes is still fresh in the minds of these MPs, it is disheartening to note that not a lot of lessons have been learned from the mistakes of the past.
Cobra Post has a letter of recommendation that Lalu Bhai Patel has signed to further the cause of an obscure, obviously non-existent, offshore company and has given his consent to lobby for it. All for a sum of 50,000 rupees.